नमस्कार, आई एम उर्शला कांत। यू आर लिसनिंग टू द ऑडियो सीरीज ऑन द इंट्रोडक्शन टू पर्सनल कंप्यूटर। द कोर्स कोड BCS 011 एंड ब्लॉक 1 ऑन द टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट 2। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कंप्यूटर और उसकी जनरेशंस के बारे में बात की थी, तो हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पर्सनल कंप्यूटर क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। डेट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय श्री एमपी मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इग्नू, एंड माई सेल्फ उर्शला कांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। In this part 2 episode, you are going to learn about personal computer and its component. The age we live in is the age of information and communication technology. जैसा कि हम चारों तरफ पर्सनल कंप्यूटर का यूज देख रहे हैं, तो हम अब पर्सनल कंप्यूटर क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बारे में आज और डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पर्सनल कंप्यूटर क्या है। तो जो आपका सवाल है कि ये पर्सनल कंप्यूटर क्या है, उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये जोड़ूं कि जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज और पर्पज के लिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, जिसमें एक पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर को हम इस तरह देख सकते हैं कि जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में हम यूज करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेके हो, चाहे कुछ इंटरटेनमेंट के लिए हो, या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएशन, या फिर इससे रिलेटेड और दूसरी एक्टिविटीज के लिए हो। आज के दिन में इंटरनेट और वेब ब्राउजिंग का बहुत सारा यूटिलाइजेशन है, तो उसके लिए हो। तो जो कंप्यूटर हम अपने पर्सनल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर ब्रॉडली डिफाइंड होते हैं एज ए पर्सनल कंप्यूटर। और ऑब्वियस अगर हम इसकी प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में देखें तो ये लिमिटेड है, क्योंकि इसका पर्पस जो है यूटिलाइजेशन का, वो एक इंडिविजुअल तक सीमित है या फिर एक व्यक्तिगत यूज के लिए है। इसी तरीके से कुछ और कंप्यूटर्स की कैटेगरी को अगर हम इसमें जोड़ें तो थोड़ा क्लियर होके आ जाएगा। जैसे हमने सुना है सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि वो कंप्यूटर होंगे जो बहुत ही हाई इंड एक्टिविटी करते होंगे, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करते होंगे। तो अभी ऐसी बात है, कुछ उसी तरह का काम सुपर कंप्यूटर करता है। सुपर कंप्यूटर का काम है बहुत बड़े बिजनेस एप्लीकेशन को हैंडल करना, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन कई बार हम बोलते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, कोई हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैनेजमेंट करना है, तो न्यूक्लियर एनर्जी मैनेजमेंट के लिए इतनी सारी सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस और टाइम प्रेसाइज एप्लीकेशंस होती हैं, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको डिसीजन चाहिए, रिजल्ट चाहिए। जैसे आप बहुत सारे देखते हैं कि आज ये मिसाइल टेस्ट की गई, या आप कई बार देखते हैं कि ये सैटेलाइट लॉन्च की गई, और कुछ इस तरह की जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, बड़ी घटनाएं हैं, उनके पीछे अगर साइंटिफिक रीजन हम थोड़ा छोटा सा देखें कि किस तरीके से इनको मैनेज किया जाता होगा, कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो ऑब्वियस है कंप्यूटर एक सिंपल कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह देखी जाती है, जिसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोसेस करती है और रिजल्ट आता है। और उसी के बेसिस पे अगर फर्दर हम थोड़ा और देखें तो सुपर कंप्यूटर का काम क्या होगा, जो बहुत सारी इनपुट लेता होगा और बहुत सारी प्रोसेसिंग करता होगा। इसी तरीके से अगर एक मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर को अगर हम कहें तो बहुत सारे लोगों को प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 50 या 100 लोग हैं, उनको एक सर्वर लगा के आप उस सर्वर से कनेक्ट करके कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर है जो वहां से यूज करना चाहते हैं, तो फिर मिनी कंप्यूटर यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी इसी तरीके से यूज होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को अगर हम देखें तो मल्टी यूजर कैपेबिलिटी है, और अगर आपका ये पर्सनल कंप्यूटर है तो एक तरीके से सिंगल यूजर कैपेबिलिटी तक आप लिमिटेड हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कंप्यूटर को ब्रॉडली उनके यूटिलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर जो आपका सवाल था एक कैटेगरी है, और उसको हम यूज करते हैं अपने पर्सनल ऑपरेशंस के लिए। जैसा कि आपने बताया कि हम पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल यूज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में कुछ और बताइए। बिल्कुल, पर्सनल कंप्यूटर देखिए हम अपने पर्सनल प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं या पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए। तो अगर एक कंप्यूटर हम देखें कहीं यूज होता हुआ, ये एक कंप्यूटर सिंपल ऑफिस में हमने देखा हो, या इवन लैपटॉप जो आज के दिन में यूज हो रहे हैं वो भी पर्सनल एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, तो इन दोनों चीजों से जनरली जो कंप्यूटर यूजर है वाकिफ है, या तो लैपटॉप या तो फिर एक डेस्क
डेस्कटॉप जिसको बोला जाता है, जो एक टेबल पे रख सकते हैं आप, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी डिवाइसेस बाहर हमें दिखती हैं, जैसे मॉनिटर उसमें हमें बाहर दिखता है, एक हमें बॉक्स दिखता है जिसको हम केस या चेसिस कंप्यूटर का बोलते हैं, और उसके बाद इनपुट करने के लिए हमें कीबोर्ड अटैच दिखता है उससे। उसी के साथ साथ अगर हम चेसिस के अंदर थोड़ा झांकने की कोशिश करें तो एक्चुअल कंप्यूटर का जो सारा का सारा मेन टेक्निकल पार्ट है या फिर मेन प्रोसेसिंग के लिए पार्ट है और स्टोरेज के लिए, वो उसके अंदर होता है। जैसे आपका मदरबोर्ड कंप्यूटर के चेसिस के अंदर होता है, इसी तरीके से जो प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड पे लगा होता है जो प्रोसेसिंग करता है, और मेमोरी जो होती है जिसमें प्रोसेसिंग होती है वो, जिसको रैम बोलते हैं, वो कंप्यूटर के जो चेसिस होता है उसके अंदर होता है, वो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे एप्लीकेशंस हैं वो अधिकतर एप्लीकेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंटिंग डिवाइस यूज करते हैं, तो माउस है। तो ये कुछ ब्रॉडली कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो अगर हम थोड़ा ब्रॉडली इसको कहें तो एक तो इनपुट के लिए कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और इसी तरीके से स्टोरेज और मेमोरी के लिए रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और बाकी अगर आप और अलग से डिवाइसेस देखें तो स्टोरेज के लिए आपकी सीडी राम या फिर कुछ उस तरह की डिवाइसेस भी यूज होती हैं, और डीवीडीज यूज होती हैं आजकल स्टोरेज के लिए। तो ये स्टोरेज डिवाइस हो गई। और प्रोसेसिंग के लिए जैसे कंप्यूटर सीपीयू है जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो एक तरीके से प्रोसेसर को ही हम कहते हैं, तो वो सारी चीजें मिला के एक पर्सनल कंप्यूटर बनता है। जैसा कि आपने पर्सनल कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताया जिसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मदरबोर्ड में आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि इस प्रोसेसर प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड। जी डेफिनेटली, जो आपने पूछा कि मदरबोर्ड क्या है और क्या प्रोसेसर मदरबोर्ड पे प्लेस्ड होता है, तो ऑब्वियस है बड़ा जेनरिक सा आंसर इसका होगा कि मदरबोर्ड पे प्रोसेसर को इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ प्लेस और इंस्टॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कहीं ना कहीं एक लोकेशन मदरबोर्ड में दी हुई होती है जिस लोकेशन पे आप प्रोसेसर को इंस्टॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस तरीके से समझें कि मदरबोर्ड जो है एक मेन कंपोनेंट या कोर कंपोनेंट है हमारे पर्सनल कंप्यूटर का, और उसी मेन कंपोनेंट पे और बाकी जो अलग अलग दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो उस पे इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि प्रोसेसर मदरबोर्ड पे इंस्टॉल किया जाता है, इसी तरीके से रैम के बारे में हम बात कर रहे थे, रैम को भी मदरबोर्ड पे हम इंस्टॉल करेंगे, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाहर से अटैच होनी है उनके लिए अगर हमारी कुछ कंट्रोल सर्किट्स हैं या पोर्ट्स हैं, तो उन सारी चीजों को भी फिर हम मदरबोर्ड से कहीं ना कहीं इंस्टॉल करेंगे, और इन सारी चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन लोकेशन है वो मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड पे इन चीजों को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसीलिए अगर इसको दूसरी तरीके से समझें तो मदरबोर्ड को कुछ ऐसे देखिए कि मदरबोर्ड आप लेके आए और उसके अलावा जो दूसरे कंपोनेंट हैं वो कहीं और से आप ले आ सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज कंप्यूटर अपना तैयार कर सकते हैं। कुछ तो ये होता है कि कुछ ब्रांड के हिसाब से आप कहते हो कि फला ब्रांड का, एक्स वाई जेड ब्रांड का हमने कंप्यूटर खरीदा, तो इसका मतलब है कि उस ब्रांड से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स उसमें यूज हुए हैं, चाहे रैम है और बाकी चीजें हैं, तो उस ब्रांड की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने हिसाब से उन चीजों को मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करके और आपको टोटल कंपोज करके एक साथ देगा। लेकिन अगर आप इन चीजों को अलग अलग खरीद के भी चाहते हैं अपना बनाना और खुद का कस्टमाइज करना, तो कर सकते हैं। तो ऐसे समझें हम कि मदरबोर्ड हमारे पास अवेलेबल है और बाहर से दूसरी और बाकी चीजें, चाहे प्रोसेसर, चाहे रैम, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए पोर्ट्स, इन सारी चीजों को लाके हम इंस्टॉल करके फिर अपना तैयार कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। आपने बताया कि मदरबोर्ड एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोसेसर के फंक्शंस क्या क्या हैं। जी बिल्कुल, जैसे हमने डिस्कस किया मदरबोर्ड पे प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर एक तरीके से जो हमारी मेन एक्टिविटीज होनी है कंप्यूटर में, जो भी सारी की सारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं वो प्रोसेसर के पास हैं। तो प्रोसेसर को हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, और प्रोसेसर का मेन काम होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और अगर थोड़ा और इसको फर्दर इलोबरेट करके हम समझने की कोशिश करें तो प्रोसेसर के फंक्शन को हम इस तरह से कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, रीड और फेस द इंस्ट्रक्शन, देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि किसी और फॉर्मेट में स्टोर्ड है, जो प्रोसेसिंग के लिए फॉर्मेट चाहिए वो डिफरेंट है, तो उसको फिर इंस्ट्रक्शन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को फिर एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको राइट बैक करना। तो ये प्रोसेसर का काम है। तो एक तरीके से कहें तो प्रोसेसर सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि आप जो इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो इनपुट दे रहे हो वो प्रोसेसर को जा रहा है, और उसके बाद जो उसको प्रोसेस कर रहा है वो प्रोसेसर कर रहा है, और उसके बाद फिर जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो प्रोसेसर आपको वापस दे रहा है। जैसा कि आपने बताया कि मदरबोर्ड में रैम इंस्टॉल किया जाता है, तो ये रैम क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंपल सा अगर हम एनालॉजी लें, तो उसको कहीं प्रोसेस दिमाग में करना है तो कुछ एक ऐसा लोकेशन तो होना चाहिए, डेटा जो जाएगा उसको रखेंगे कहाँ, और डेटा को रखने के लिए या फिर एक लोकेशन, अब हम यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं मेमोरी का, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है कंप्यूटर का, और इसी मेमोरी में सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को हम पहले लोड करते हैं, रखते हैं, और फिर प्रोसेसर वहां से पढ़ता है और प्रोसेसिंग करता है। और इसका एडवांटेज यह है कि जो रैम है इसमें डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है, बेसिकली अगर प्रोसेसर रैम से पढ़ता है डेटा और फिर प्रोसेस करता है तो टाइम बहुत कम लगता है, तो रैम में डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसीलिए रैम यूज किया जाता है। और रैम में हम अगर डेटा रख लेते हैं, क्योंकि प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत ज्यादा है, और अगर आप कहीं बाहर से इनपुट दे रहे हो तो आप इनपुट जब तक दोगे तब तक प्रोसेसर वेट करेगा, तो इसीलिए रैम यूज किया जाता है। और रैम का काम है कि प्रोसेसर को जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस चाहिए, प्रोग्राम बेसिकली जो लिखे हुए हैं आपने इंस्ट्रक्शंस, उनको रैम में लोड किया और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया। एक दूसरे एग्जांपल की तरह हम एग्जांपल से अगर इसको समझने की कोशिश करें, जैसे हम अपना ब्राउजर खोलते हैं इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, पहले ब्राउजर वो रैम में लोड होगा और रैम से फिर प्रोसेसर ब्राउजर के प्रोसेसिंग के जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ेगा, उसके बाद जो आप अलग से अपने कुछ और इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे कोई किसी वेबसाइट का एड्रेस दोगे या फिर URL दोगे, तो उसको प्रोसेसर पढ़ेगा, फिर प्रोसेस करके जो आगे की एक्टिविटीज होंगी जहां से जिस सर्वर को कम्युनिकेट करना होगा वहां से कम्युनिकेट करके वो प्रोसेस करेगा और आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो दिखेगा। इसी तरीके से कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते समय कई बार अगर थोड़ा माइन्यूटली नोटिस किया जाए तो ये होता है कि स्पीड का मिसमैच दिखता है, तो वो इसीलिए होता है कि जो रैम में हमने स्टोर किया हुआ है डेटा, प्रोसेसर तो बड़ी तेजी से पढ़ लिया लेकिन रैम तक पहुंचा है जो डेटा वो कम है या रैम की साइज कम है, तो उस केस में फिर क्या होगा, आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी और फिर लगेगा कि जैसे थोड़ा सा बीच में पॉज या बफरिंग जैसा हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन और लोड होने के बाद फिर उसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो आपका ये कहना है कि जो रैम है उसका मेन जो काम है वो स्टोर करना है। जी बिल्कुल। अब आप कुछ हमें कीबोर्ड और माउस के बारे में बताएंगे। देखिए एक तो प्रोसेसर है प्रोसेस कर रहा है, रैम है जिसमें हमारी जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा है वो जा रहा है प्रोसेस होने के लिए। इसी तरीके से इस इंस्ट्रक्शन और डेटा को हम कैसे कंप्यूटर में फीड करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट डिवाइस हमें चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन हमें अगर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की प्रोसेस करनी है तो एक तो है कि कीबोर्ड से कुछ इनपुट हम देते हैं, और दूसरा एक है बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है इसको हम बोलते हैं माउस। माउस का काम है पॉइंट करना किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे और उसी के हिसाब से क्लिक या फिर माउस के मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस जो एसोसिएटेड होते हैं एप्लीकेशन के वो जनरेट होते हैं और प्रोसेसर उसके हिसाब से आगे उसको प्रोसेस करता है। तो माउस के अलावा भी और दूसरे पॉइंटिंग डिवाइसेज होते हैं, जॉयस्टिक्स है जो गेम खेलने के लिए या अलग अलग कंट्रोल के लिए यूज हो रहे हैं, दोनों हाथ से अलग अलग बटन्स कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो माउस मेन कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पर्पज में यूज होता है जो एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करता है। और कीबोर्ड है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स सिंबल्स नंबर्स ये सारे लिखे हुए हैं जो हमें जरूरत पड़ते हैं अलग अलग तरह के इनपुट को कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए, तो ये दोनों एक तरीके से इनपुट डिवाइसेस की तरह काम करती हैं। अब थोड़ा हमें कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी बताइए। जी जी स्टोरेज डिवाइसेस, देखिए रैम अभी हमने बताया, अभी हम कह रहे थे कि रैम स्टोरेज डिवाइस है और इसको हम कह रहे थे कि ये प्राइमरी स्टोरेज है, तो यहाँ एक चीज समझना बड़ा जरूरी है कि रैम में कोई भी इंफॉर्मेशन तभी तक रहती है जब तक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। कंप्यूटर जैसे ही हम बंद करते हैं या एप्लीकेशन जैसे ही बंद करते हैं रैम से वो इंफॉर्मेशन हट जाती है या मिट जाती है, तो इसीलिए रैम को हम कहते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब स्विच ऑफ करते ही सारी चीजें डिसअपीयर हो जाएंगी, वो स्टोर्ड नहीं रहेंगी। अब सवाल आता है कि अगर स्टोर्ड नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी डिवाइस तो चाहिए ना जिसमें हम स्टोर करके रख सकें, तो हम उसको स्टोर करके रखने के लिए जो यूज करते हैं डिवाइसेस उनको कहते हैं हम स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी हार्ड डिस्क आती है, हार्ड डिस्क में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और हार्ड डिस्क अलग अलग साइज और कैपेसिटी की आती है। आज के दिन में बहुत ज्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क अवेलेबल है और आज के दिन में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है जिनमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इवन
टेराबाइट्स में स्टोर करके रख सकते हो। इसके अलावा थोड़ी कम साइज की या थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन आपके पास है या डेटा है जिसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो पेन ड्राइव है, जिसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, उसमें स्टोर करके रखा जाता है। या बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं जिनके बैकअप लेने हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गया या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वहां पहले मैग्नेटिक टेप भी यूज हुआ करता था, लेकिन अब आज के दिन में मैग्नेटिक टेप ग्रेजुअली धीरे धीरे कम यूज होना शुरू हो गया है, और हार्ड डिस्क की कैपेबिलिटी बढ़ने की वजह से सेकेंडरी बैकअप की तरह हमेशा हार्ड डिस्क यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये है अलग अलग तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं आज के दिन में। इसके साथ साथ हम डीवीडीज और सीडीज भी यूज करते हैं जो स्टोरेज के लिए काम आती है, उनको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आपने जैसा कहा कि ये जो पेन ड्राइव्स हैं और सीडीज हैं, तो इनको कैरी करना भी बहुत आसान है। जी बिल्कुल, ये कैरी किया जा सकता है और इसको रखना प्रोटेक्ट करके कंपेटेबिलिटी ठीक है। अब हमें कुछ आप मॉनिटर के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। मॉनिटर देखिए, अभी हमने इनपुट डिवाइस के बारे में बात की थी, कीबोर्ड, पॉइंटर्स, इसी तरीके से हमें आउटपुट के लिए भी चाहिए। तो आउटपुट बेसिकली दो फॉर्म में है, एक तो हम तुरंत जो काम कर रहे हैं उसको देखते रहें, तो उसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन यूज करते हैं, और वो स्क्रीन को बेसिकली हम मॉनिटर बोलते हैं, जो डिवाइस यूज की जाती है वो मॉनिटर है। और आज के दिन में जो मॉनिटर्स यूज किए जा रहे हैं वो हैं एलईडी मॉनिटर्स। और इससे पहले अगर कुछ देखा हो तो वो पुरानी टीवी के शेप के कुछ मॉनिटर आते थे, जो सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, वो यूज हुआ करते थे। तो ग्रेजुअली वो उनकी तरफ से अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है एलईडी मॉनिटर्स की तरफ आ गए हैं, फ्लैट आने लगे हैं, स्पेस बहुत कम लेते हैं और क्लियरिटी इनमें बहुत ज्यादा है, तो ये मॉनिटर्स यूज होते हैं आउटपुट डिवाइस की तरह। और अब ये से आउटपुट डिवाइस है, और साथ साथ अगर देखें तो पॉइंटिंग डिवाइस के लिए कहीं ना कहीं मॉनिटर से हमें लीड भी मिलती है। अगर हमें माउस यूज करना है एज ए इनपुट या किसी भी तरह का पॉइंटिंग, तो अब ये से मॉनिटर पे देख के ही हम माउस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर माउस का यूटिलाइजेशन कहीं बनता नहीं। तो ये है मॉनिटर का यूज, और आज के दिन के जो मॉनिटर है एलईडी है, और पहले जो थे वो सीआरटी मॉनिटर्स हुआ करते थे। जब हम पर्सनल कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हमें सलाह दी जाती है कि आप इसकी स्पीड चेक कर लीजिए। स्पीड से क्या मतलब है? जी जैसा आपने कहा कि कंप्यूटर खरीदने के टाइम पे हम क्या देखें और स्पीड क्या है, बड़ा सीधा सा एक जवाब जेहन में आता है कि जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर ऐसा खरीदें जो हमारी पर्पज को मीट करता हुआ दिखे, हमारी जरूरत के हिसाब से हो। और जरूरत में एक सबसे बड़ी जरूरत आती है कि उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी क्या है। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का मतलब कितनी तेजी से वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोई एप्लीकेशन है, जैसे जनरली हम कहते हैं लाइट एप्लीकेशन, हैवी एप्लीकेशन, तो अगर एक हैवी एप्लीकेशन है तो उसको प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा अगर एक नॉर्मल कम कैपेसिटी वाले या स्पीड वाले कंप्यूटर से करते हैं तो, और अगर किसी ज्यादा कैपेसिटी या स्पीड वाले कंप्यूटर से करते हैं तो वो कम टाइम में होगा। और स्पीड को अगर हम थोड़ा और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो प्रोसेसर, और प्रोसेसर क्या है? सीपीयू। तो सीपीयू की हमारे क्या स्पीड है वो जनरली हमारे कंप्यूटर की स्पीड डिफाइन करता है। और अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लें और कहें कि एक सीपीयू है जिसकी क्लॉक स्पीड है 1 GHz, तो इसका मतलब हो गया कि वो जो सीपीयू है वो 1000 मिलियन साइकिल हर सेकेंड में प्रोसेस कर रहा है, तो उतने सारे इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वो प्रोसेस कर सकता है। सो इन दैट वे वी रिपीट द सेम थिंग एंड वी से इन मोर क्रिस्प वर्ड वी कैन से ए सीपीयू विथ ए क्लॉक स्पीड ऑफ 1 GHz कैन रन 1 मिलियन साइकिल इन ईच सेकेंड। तो ये एक तरीके का हमें एक इंडिकेशन हो गया कि हमारे सीपीयू की स्पीड ये है तो कंप्यूटर की स्पीड ये हो जाएगी। इसी के साथ अगर एक चीज हम और जोड़ें, अभी हम थोड़ी देर पहले रैम की बात कर रहे थे, और रैम और कंप्यूटर की स्पीड हम बात कर रहे थे कि रैम अगर हमारा थोड़ा छोटा है और कोई हैवी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, जनरली गेमिंग एप्लीकेशन या फिर कुछ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, तो हम देखते हैं कि वो बड़े स्मूथली कई बार नहीं चलता है। तो उसका रीजन है कि रैम की साइज हमारी कम है, हमें जो प्रोसेसर पढ़ पा रहा है उसको उतनी डेटा मिल नहीं पा रही है जितना डेटा उसको चाहिए प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि हमारी रैम थोड़ी छोटे साइज की है। तो यहाँ एक बड़ा सीधा सा सवाल ये भी किया जा सकता है कि क्या रैम और कंप्यूटर स्पीड में कोई बड़ा सीधा सा कोरिलेशन है? तो
इसको मैं यहाँ क्लियर करूँ कि रैम और कंप्यूटर की स्पीड में कोरिलेशन नहीं है सीधा सा। रैम हमारे पास सफिशियंट जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रैम की साइज हम बहुत बढ़ा देंगे। अगर हमारे पास 4GB रैम है और उसमें कंप्यूटर चल रहा है अच्छे से, हम 8GB रैम कर दें तो कंप्यूटर की स्पीड और ज्यादा हो जाएगी। स्पीड अल्टीमेटली प्रोसेसर की स्पीड से डिसाइड होगा, और जो रैम हमारा है वो कहीं ना कहीं प्रोसेसर को डेटा प्रोवाइड कर रहा है या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और प्रोसेसर जल्दी से पढ़ सके इसलिए रैम में हम वो इंस्ट्रक्शन और डेटा रखते हैं। इसीलिए रैम सफिशियंट साइज का होना चाहिए, जब कंप्यूटर खरीदने जाए तो इसका ख्याल हम जरूर रखें। लेकिन हमें कंप्यूटर की स्पीड में अगर इंटरेस्ट है तो हम कंप्यूटर में सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मेजर करें, तब हम जरूर एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर खरीदें जो हमारे पर्पज को मीट कर सकता है। श्रोताओं, आज हमने अपने इस एपिसोड में ये जाना कि पर्सनल कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और हमें बहुत उसकी जानकारी मिली कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए हम जब पर्सनल कंप्यूटर खरीदने जाते हैं। तो अब हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। यू वर लिसनिंग टू द मॉड्यूल अबाउट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट 2। द प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय श्री एमपी मिश्रा and myself Ushla Kant, concept and scripted by Shri M.P. Mishra, sound engineer Ms. Aarti Kariholu, edited by Mr. Sadan Lal, produced by Mr. K. Venkatraman. You may also procure this module by writing to our marketing cell. The email ID is unit@yahoo.com. Thank you for listening to the program. We would like to have your feedback. Our address is The Director, Electronic Media Production Center, Indira Gandhi National Open University, Maidan Gadi, New Delhi, 110068. This program was presented by Indira Gandhi National Open University. So this was about today's episode. In our next episode, we will talk about the use of computer memory. Thank you and goodbye.